हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके फन एंड आर्ट्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए कार्ड। तो सबसे पहले कार्ड नहीं, मतलब नॉर्मल सा मैं एक कार्ड ही मान लूँ, कार्ड ही जैसा कुछ बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ ट्रेडिशनल सा लुक देना चाहती हूँ, हमारा जो भारतीय या जो पहाड़ी लुक है उसको देना चाहती हूँ। तो मैं कुछ ऐपण का, कुछ अल्पनाओं का यहाँ पर यूज़ करूँगी, ठीक है। अल्पना ही बोलते शायद, मुझे इतना पता भी नहीं है। तो ऐपण का यूज़ करूँगी और कुछ ऐसे ट्रेडिशनल डिज़ाइन बनाऊँगी, ठीक है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मेरे पास शीट थी जिसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है। अब मैं इतने ही पार्ट पर क्या करूँगी, डिज़ाइन करके इतने को ही, मतलब इतने को ही डेकोरेट करके इसको बनाऊँगी नववर्ष की हार्दिक शुभकामना के लिए कार्ड, हैप्पी न्यू ईयर के लिए कार्ड, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आपका साल बहुत अच्छा जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब मैंने यहाँ पर एक ऐसे इसको अच्छा सा लुक दे दिया है, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा कर्व कर दिया थोड़ा सा यहाँ पर से, और इसको मैं और कट कर देती हूँ। तो अब एक परफेक्ट लुक इसका आ गया है। मैं इस पर ऐसे ही डिजाइन करूंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ये क्या है, कार्डबोर्ड जो है वो ऐसे लचक वचक जा रहा है, तो मैं इसको एक अच्छा सा बेस दे देती हूँ। तो बेस के लिए मैं कोई भी जो होता है गत्ता होता है उसको मैं इसके पीछे चिपका लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड शीट ले ली है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और ये मैंने यहाँ पर क्राफ्ट पेपर ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, इसमें चिपका देती हूँ, और जो भी जो वेस्ट हमारा ये जा रहा है ना, इसको मैं वो कर देती हूँ, कटआउट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको चिपका दिया है पीछे से, आप देख सकते हो। तो मैंने इसको अब चिपका दिया। अब मैं इस पर ड्रॉ कर लेती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने इस पर रेड कलर की आउटलाइन दे दी है, ठीक है, रेड कलर की आउटलाइन दे दी है। अब मैं इसमें कोई ट्रेडिशनल सा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कप जैसे वो कर दूंगी, कप जैसे चित्र बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको आउटलाइन कर दी है और यहाँ पर थोड़े कप टाइप के बना दिए। अब मैं इसमें और डेकोरेशन ऐड करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा डिजाइन मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चारों तरफ मैंने इसको बना दिया है, बना के सेट कर दिया है। अब हम इसमें और कुछ डिटेलिंग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अब व्हाइट कलर से थोड़ा आउटलाइन कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा खाली लग रहा है, इसको भी हम थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एकदम नॉर्मल सा यहाँ पर एप्पल बनाया है और यहाँ पर कुछ डिज़ाइन बना रखा है, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा और डेकोरेशन करके बीच में लिख लेते हैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर लिख दिया है मैंने नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और थोड़ा सा डिटेलिंग हम इसमें ऐड कर देते। तो हमारा ये प्यारा सा कार्ड बनके रेडी है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड की है। यहाँ पर मैंने अपन दिए हैं, यहाँ पर से मैंने अपनी कुछ कलाकृतियाँ बनाई हैं, और यहाँ पर से बीच में नववर्ष लिखा है। सिंपल सा ये कार्ड बना के हमने रेडी है हमारा। और अगली वीडियो में हम एक ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे, ठीक है। ये भी ग्रीटिंग कार्ड के जैसे आप दे सकते हो। आप इसको क्या करके, मतलब किसी, मतलब एनवलप में रैप करके इसको दे सकते हो, ठीक है। और ऐसी हम ग्रीटिंग कार्ड की वीडियो भी जल्दी बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक करो।